क्वेश्चन नंबर 23। अ स्क्वायर प्लेट, मास गिवन है, एजेस गिवन, इसको बाद में सब्सिट्यूट करते हैं। मास को लिखते हैं एम और एजेस ए, ये ए एज मतलब साइड, ये भी ए, ठीक है। रोटेट्स अबाउट वन ऑफ इट्स एजेस, मतलब ये जो एज है इसके अबाउट इट विल रोटेट लाइक दिस। इफ इट हैज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा गिवन है 0.2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट टॉर्क एक्ट्स ऑन द प्लेट। टॉर्क का फॉर्मूला आई अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे चाहिए अबाउट दिस एक्सिस। वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ स्क्वायर, तो ये आईसीएम होगा, एम ए स्क्वायर बाय 12। तो ये कुछ स्टैंडर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ऑब्जेक्ट्स के, ये फॉर्मूलेस तुमको बाय हार्ट होने चाहिए। तो अगर तुमको ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये जो फॉर्मूलेज है वो अच्छे से करने, तो मेरा जो रोटेशनल मोशन का प्लेलिस्ट है वो एक बार चेक करो। लेकिन मुझे फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट। तो दोनों एक्सिस नोन एक्सिस और जो फाइंड करना है वो पैरेलल है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो आई नॉट इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम एच स्क्वायर। एच होता है दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, विच इज ए बाई टू। सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एम ए स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एच ए बाई टू, तो उसका स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 4, इसका कैलकुलेशन आएगा एम ए स्क्वायर बाय 3, ये आई नॉट हो गया। सो टॉर्क इज नथिंग बट आई अल्फा, तो ये होगा एम ए स्क्वायर बाय 3 इंटू 0.2। मास कितना है, 120 ग्राम इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 0.2 बाय 3, ये कैलकुलेशन करो, आंसर आएगा 2 × 10⁻¹। इतने इजी प्रॉब्लम है रोटेशनल मोशन के, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24। कैलकुलेट द टॉर्क ऑन द स्क्वायर प्लेट ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ इट रोटेट्स अबाउट अ डायगोनल विथ सेम एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो सेम प्रॉब्लम, स्क्वायर प्लेट सिर्फ अभी ऐसे रोटेट करेगा, तो टास्क अपना सेम होगा, हमको फाइंड करना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री मुझे बताओ ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। तो सपोज इसको अगर मैं आई नॉट कंसिडर करूं तो ये भी आई नॉट होगा बिकॉज डायगोनल्स विल बी सेम। और हम लोगों को पता है कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होगा एम ए स्क्वायर बाय 6, करेक्ट। अभी ये दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो इसको अगर मैं आई एक्स कंसिडर करूं, ये आई वाई कंसिडर करूं, तो ये जो होगा ये आई जेड होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो तीनों एक्सेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम यूज करेंगे। आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, आई एक्स और आई वाई सेम है, तो आई नॉट प्लस आई नॉट 2 I0, और ये एम ए स्क्वायर बाय 6, तो आई नॉट आएगा एम ए स्क्वायर बाय 12, करेक्ट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, तो ये होगा एम ए स्क्वायर बाई 12 इंटू अल्फा 0. कितना था, 0.2। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद कैलकुलेशन आएगा 5 × 10⁻¹ केजी मीटर स्क्वायर। एकदम सिंपल प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 25। अ फ्लाई व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है 5, इज रोटेटेड विथ स्पीड, मतलब इनिशियल स्पीड 60 रेडियन पर सेकेंड।
बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एट द एक्सल इट कम्स टू रेस्ट. तो ओमेगा टू जो है दैट इज जीरो, कितने टाइम में? 5 मिनट्स में, इतने सेकेंड्स. तो ये आएगा 300 सेकेंड्स. फाइंड एवरेज टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन. सिंपल, तीन चीजें हमको यहां पर पता है, करेक्ट? कौन सी तीन चीजें काइनेमेटिक्स की? ओमेगा, फाइनल और टाइम. हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं. कौन सा इक्वेशन? वी इज इक्वल टू यू प्लस 18. तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो 0 इज इक्वल टू 60 प्लस अल्फा 300. तो देखो अल्फा कितना आएगा? -0.2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ये हुआ अल्फा. एक बार मुझे अल्फा मिला तो टॉर्क फाइंड करना इजी है. टॉर्क इज आई अल्फा. तो ये मैग्नीट्यूड है, इसीलिए अल्फा को 0.2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टॉर्क आएगा 1 न्यूटन मीटर. वेरी इजी. बी पार्ट देखो. बी पार्ट में पूछा है टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन. अभी वर्क डन फाइंड करने के दो मेथड्स है. कौन से दो मेथड्स? एक वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा मेथड वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. कोई भी मेथड यूज करो. अभी मैं यूज करूंगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो पहले डिस्प्लेसमेंट लगेगा, करेक्ट? मतलब एंगल. तो यूजिंग काइनेमेटिक इक्वेशन यहां पर एंगल फाइंड कर लेते हैं. कौन सा यूज करूं? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर लेता हूं, करेक्ट? तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. देयरफॉर टीटा कितना आएगा? ओमेगा 1 इंटू 300 माइनस हाफ इंटू 0.2 इंटू 300 स्क्वायर. अगर तुमको चाहिए तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS से भी आ जाएगा. अगर तुमको उससे करना है तो उससे कैलकुलेशन सिर्फ इजी हो जाएगा थोड़ा, बाकी आंसर सेम आएगा, करेक्ट? तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS. ओमेगा 2 जो है वो 0 है, तो 0 इज इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर 3600. अल्फा इज -0.2 इंटू टीटा. तो देखो इधर इधर आएगा 0.4 टीटा इज इक्वल टू 3600. तो कैलकुलेशन करो, टीटा आएगा 9000 रेडियन. तो एक बार मुझे टीटा मिल गया तो पार्ट बी का आंसर होगा वर्क डन विल बी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. यहां पर आएगा टॉर्क इंटू टीटा, करेक्ट? टॉर्क कितना है? टॉर्क ऊपर फाइंड किया 1, टीटा कितना है? 9000. सो वर्क डन आएगा 9 इंटू 10 रेज टू 3 जूल, करेक्ट है? ठीक है. लास्ट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द व्हील 1 मिनट बिफोर इट स्टॉप्स. अभी 1 मिनट बिफोर इट स्टॉप्स मतलब टाइम 4 मिनट के बाद, बिकॉज टोटल टाइम 5 मिनट था. तो 1 मिनट बिफोर इट स्टॉप्स मतलब 4 मिनट, मतलब 4 इंटू 60. तो ये आएगा 240 सेकेंड्स. एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आई ओमेगा. मतलब मुझे यहां पर सिर्फ ओमेगा फाइंड करना है फाइनल, करेक्ट? तो फाइनल ओमेगा वी हैव टू फाइंड. तो फिर से वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी. सो वी इज इक्वल टू यू 60 प्लस ए. ए कितना है? अल्फा -0.2 इंटू टी 240 सेकेंड्स. तो यहां से हमको ओमेगा 2 आएगा 12 रेडियन पर सेकेंड. सब्स्टिट्यूट कर दो ओमेगा वहां पर. आई इज कितना? 5, ये 12. तो कैलकुलेशन आएगा 60. तो ये हुआ एंगुलर मोमेंटम 1 मिनट बिफोर इट स्टॉप्स रोटेटिंग, करेक्ट? कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो. अगर वीडियो यहां तक अच्छा लगा है, प्रॉब्लम समझ में आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. सी यू इन नेक्स्ट सेशन.